तालियों से स्वागत कीजिए कैप्टन अखिलेश सक्सेना का 1998 के विंटर में उन्होंने इस कब्जा कर लिया और पहाड़ों की लड़ाई में जिसने एक बार जो ऊपर पहुंच गया वो आपसे जस्ट बिकॉज ऑफ एडवांटेज ऑफ हाइट वो आपसे नियरली हंड्रेड टाइम्स मोर पावरफुल हो गया लेकिन ये भारतीय फौज है ये उन जवानों की वीरता है और देश के लिए प्यार है कि उन्होंने उस परिस्थितियों में जहाँ जीतने के चांसेस एक परसेंट भी नहीं थे उन्होंने उस बाजी को पलट दिया पाकिस्तान ने पूरी जीत के बाद जश्न की तैयारी कर रखी थी जिसमें बिरयानी थी कराची का हलवा था बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे खीर थी और आई थिंक दैट वॉज द बिगेस्ट फीस्ट मोस्ट टेस्टी यू नो स्प्रेड आई कुड एवर बिकॉज वी वर हंग्री फॉर लास्ट थ्री डेज और ऊपर जाके जो हमने पार्टी मनाई है आई एम येट टू सी ए पार्टी लाइक दिस जिस दिन आपने सोचा कि मैं इस सिचुएशन को फेस करूंगा, एंड आई विल बी द विनर आपका माइंड भी विनिंग स्टोरी क्रिएट करेगा एंड योर एक्शन इन द ग्राउंड विल रिफ्लेक्ट द सेम थिंग एंड यू विल विन नेक्स्ट अटैक की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट थर्टीन जैक को मिली और वहाँ पहुँच गए थे जो तीन चार दिन थे उस अटैक से पहले साल था 1999 मई से जुलाई के बीच का महीना था यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया ने शांति प्रिय भारत के वो तेवर देखे जिनसे वो दुश्मनों का नामो निशान तक मिटा सकता था चौरासी दिनों तक चले इस कारगिल युद्ध की कहानी यूँ तो चौबीस साल पुरानी है मगर जिसने पाकिस्तान के सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर कारगिल की चोटियों पर शान से भारत का तिरंगा लहराया भारत माँ के सपूत और कारगिल के वॉर हीरो कैप्टन अखिलेश सक्सेना आज हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कैप्टन अखिलेश सक्सेना का थैंक यू वेरी मच सर जागरण के न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सवाल आज मेरे भी हैं न्यूज रूम के हमारे बहुत सारे साथियों के भी हैं सवाल दरअसल कई सारे थे तो मैंने सोचा क्यों ना न्यूज रूम में एक इंटरव्यू हो जाए और लोग आपको जानना चाहते हैं इतना सर्च करते हैं तो मैंने सोचा कि न्यूज रूम से भी सवाल ले लिए जाए आज क्योंकि चौरासी दिनों तक चले उस युद्ध की कहानी यूँ तो चौबीस साल पुरानी हो चुकी है मगर हम सब ने सिर्फ वो कहानियों में सुनी है मगर आपने उस पल को जिया है देखा है तो वो कहानी के लिए हम चाहते हैं कि आप संजय की आँख बन जाए और बताएँ कि कैसा वो दौर था आपने क्या क्या देखा और कैसे वो पूरा युद्ध हुआ तो सबसे पहले थैंक यू जय हिंद दोस्तों और हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं तो ये एक बहुत सही पल है अवसर है इस बारे में बात करने का बिकॉज़ जब जब देश के ऊपर आँच है उसकी रक्षा करने के लिए स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने इस फ्रीडम को बचाए रखने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए हैं और अपना बलिदान दिया है चाहे वो हमारी आज़ादी की लड़ाई हो जिसमें हमारे हजारों जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उन्होंने अपना आगे बढ़े और उन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया या फिर आप बहुत सारी जो चार लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी उसमें लोगों ने अपने देश की स्वतंत्रता को बनाने के लिए योगदान दिया लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट लड़ाई हमारी जो चार लड़ाई अब तक इंडिया ने फ्रीडम के बाद लड़ी हैं वो थी कारगिल की लड़ाई और क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे डिफ़िकल्ट लड़ाई थी बिकॉज़ हर लड़ाई में चाहे वो सेवेंटी हो सिक्सटी हो सिक्सटी हो दोनों फौजें एक इक्वल ग्राउंड पर थी सामने सामने थी लेकिन कारगिल की ऐसी लड़ाई थी जिसमें दुश्मन ने धोखे से एक विंटर वेकेटेड पोस्ट थी हमारी जो पहाड़ियों के ऊपर जो हम लोगों ने बंकर बनाए थे और ये जाड़ों में विंटर्स में खाली कर देती थी दोनों आर्मी 1998 के विंटर में उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और पहाड़ों की लड़ाई में जिसने एक बार जो ऊपर पहुंच गया वो आपसे जस्ट बिकॉज ऑफ एडवांटेज ऑफ हाइट वो आपसे नियरली हंड्रेड टाइम्स मोर पावरफुल हो गया क्योंकि जब आप चढ़ने की कोशिश करेंगे वो अगर एक स्टोन भी फेंकेगा तो आपके यहाँ कैजुलटी होगी और एनिमी को ये भी पता था कि जो भारतीय फ़ौज हैं वो इन्हीं पहाड़ों से ऊपर आ सकती हैं तो उन्होंने उस पूरे पहाड़ पे सारे रास्तों पे माइंस लगा दी थी तो पहले तो आप एनिमी तक पहुँचेंगे नहीं लड़ने के लिए उससे पहले ही आपकी कैजुअलिटी हो जाएगी दूसरी तरफ उन्होंने जो बंकर खाली पड़े थे विंटर में जो ऑक्यूपाई किए उसमें उन्होंने एक छोटा सा स्पेस दे के अपने सारे वेपन का मुंह इंडिया की तरफ कर रखा था जैसे ही लड़ाई शुरू होती थी वो अपने सारे वेपन चलाने शुरू कर देते थे और ये जो उस समय जो टेम्परेचर था टेम्परेचर वहाँ पे माइनस ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस थर्टी एट डिग्री सेंटीग्रेड था राइट हम देखते हैं कि ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड में ही हम लोग कपकपा रहे होते हैं बट उस टाइम भी जो भारतीय सेना थी जो एक सैनिक था वो माइनस थर्टी एट माइनस ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड में भी उन सीधी चढ़ाइयों पे जो पूरी बर्फ से भरी हुई थी उन जो जिसका ग्रेडियंट सेवेंटी फाइव से एट्टी फाइव डिग्री था वो उस पर चढ़ रहे थे नॉट ओनली चढ़ रहे थे उनके कंधों पे चालीस से पचास किलो का वेट था जिसमें उनके आर्म्स अमनीशन ग्रेनेड्स बारूद सब कुछ था और इवन इतना डिफिकल्ट टाइम था कि इवन ऑक्सीजन की कमी थी लेकिन जब लक्ष्य को हासिल करना हो और लक्ष्य एक ऐसा हो जिसकी कोई हमारे इंडिविजुअल लक्ष्य नहीं था बट लक्ष्य हो जिसमें देश की आन है देश की चान है तिरंगे का सम्मान है तब सारी डिफिकल्टी सामने से हट जाती है इनफैक्ट हम इस लड़ाई के लिए प्रिपेयर नहीं थे जवानों के पास स्नो बूट्स नहीं थे आगे बढ़ने के लिए और वो एक नॉर्मल बूट्स जो हम लेदर बूट्स यूज़ करते हैं उनको पहन के लड़े सारे अटैक नाइट में होते थे क्योंकि दिन में तो एनीवे एनीमी आपको बहुत क्लियरली देख सकता है बट नाइट में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास इतने नाइट विजन डिवाइस नहीं थे कि हर सैनिक को हर ऑफिसर को एक नाइट विजन डिवाइस मिले तो जस्ट जो सबसे आगे वाला था वो नाइट विजन डिवाइस यूज़ करता था बाकी सब लोग उसका सहारा लेके ऐसे ही चढ़ते थे तो डिफ़िकल्ट परिस्थितियाँ थीं और इतनी डिफ़िकल्ट परिस्थिति थी कि जब उसको देखा गया जब उसका अलंकरण किया गया तो ये हुआ कि शायद जीतने के चांसेस एक परसेंट भी नहीं थे लेकिन ये भारतीय फ़ौज है ये उन जवानों की वीरता है और देश के लिए प्यार है कि उन्होंने उस परिस्थितियों में जहाँ जीतने के चांसेस एक परसेंट भी नहीं थे उन्होंने उस बाजी को पलट दिया और कैसे पलटा क्या क्वालिटीज सामने आई वो हम आगे बात करते हैं बट ये युद्ध केवल भारतीय इतिहास में नहीं ये देश बहुत सारे देशों की आर्मी ने इसको एज ए केस स्टडी इसको देखा है कि किस तरह भारतीय ने उस इम्पॉसिबल सी लगने वाली जीत को हासिल किया और एक इतिहास रचित किया सर उस समय की रिपोर्ट्स में कुछ देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि जब एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने भी सेम वही चीज़ बताई कि जीतने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं और ना के बराबर हैं क्योंकि दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है और अगर वो वहाँ से एक पत्थर भी फेंक देता है तो हमारे जवान कैजुलिटीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं तो ऐसे में जब उन्होंने बताया तब अगला कदम आपने क्या उठाया और कैसे फैसला किया कि नहीं चढ़ना है ऊपर तो देखिए ये एक ऐसा चॉइस नहीं था कि मुझे ये करना है या नहीं करना जब देश के लिए इज्जत की बात आती है और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारी ये फ्रीडम है ना दिस फ्रीडम इज नॉट फ्री आज भी एक जवान उन पहाड़ों पे है और दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा कर रहा है सियाचिन में एक एक दिन रहना जीवन से मृत्यु से संघर्ष करने के बराबर है तो हमारे सामने ये चॉइस नहीं था ना ये क्वेश्चन था और ना कभी दिमाग में आया कि ये नहीं करना है या करना है क्वेश्चन ये था कैसे करना है और ये पक्का इरादा था कि इसको करना है और जीत को हासिल करना है चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े और जब आप अपने लाइफ से ऊपर अपने एक लक्ष्य को समझते हो जब आप सोचते हो मेरा ये लक्ष्य है, ये मेरा पर्पस इतने ऊपर है कि मेरी अपनी लाइफ उसके सामने मैटर नहीं करती तब आपके लिए हर लक्ष्य आसान हो जाता है और क्योंकि ये जो लक्ष्य था ये मेरा या एक जवान या एक यूनिट का लक्ष्य नहीं था ये देश का लक्ष्य था ये उन सौ करोड़ भारतीयों का लक्ष्य था जो आस लगाए देख रहे थे कि आप हमारे देश को नेतृत्व कर रहे हैं लीड कर रहे हो और इस विजय को हासिल ही करना है तो हम बहुत क्लियर थे हमारे पास मैं आपको बताऊं बहुत बैग्स आते थे बोरों में भर के लोग की राखी आती थी लेटर आते थे और एक जवान एक नवयुवक ने लिखा था कि मैं देश के लिए लड़ना चाहता था मैं आगे बढ़ना चाहता था बट मुझे सेना में ज्वाइन नहीं कर पाया उसकी पारिवारिक स्थिति थी उसकी फैमिली कंडीशंस थी और कुछ लोग ऐसे थे जो ज्वाइन नहीं कर पाए जो भी कंडीशन हो बट ऐसे मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ क्या कर सकता हूँ उसने वो लेटर खून से लिखा और बोला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरा देश आपके साथ है और मैं भी आपके साथ हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता बट मैं अपना लेटर ये जो लेटर लिख रहा हूँ वो खून से लिख रहा हूँ और ये इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो सौ करोड़ भारतीय हैं वो आप पे गर्व करते हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं कि इस डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में आप देश के सम्मान को और देश के झंडे को झुकने नहीं देना तो ये सब चीज़ें जो आपको जोश देती हैं और आप एक इम्पॉसिबल विक्ट्री भी हासिल कर लेते हो आपने लेटर का जिक्र किया क्योंकि जब एक जवान सरहद पर लड़ाई करने जाता है तो सिर्फ वही जंग में नहीं जाता बल्कि उसका पूरा परिवार भी उसके साथ रहता है तो आपने भी कोई लेटर लिखे थे जंग पे जाते समय क्योंकि वो एक ऐसी जंग थी जहाँ पर जीतना बड़ा मुश्किल था और ये भी नहीं पता था कि वहाँ से वापस लौटना होगा भी या नहीं सो so, जब एक आर्मी ऑफिसर या एक जवान जंग के लिए जाता है तो आपको मानव वो एक सैनिक है उसकी एक जिम्मेदारी है उसने यूनिफॉर्म पहना है बट वो एक ह्यूमन बींग भी है राइट वो किसी का फादर भी है वो किसी का बेटा भी है उसके गांव में बूढ़े माँ बाप भी हैं उसकी एक वाइफ है कुछ लोगों के बच्चे थे उनकी फैमिली है तो उसको अपना कर्तव्य एक सैनिक का कर्तव्य है कि आगे बढ़ना बट उसके साथ उसको एक फैमिली को बारे में भी सोचना है जो पीछे उसका वेट कर रहे हैं वही एक ऐसा आदमी है सैनिक ही एक ऐसा आदमी है जिसको पता है कि कल मैं इस अटैक के लिए जाऊँगा तो शायद मैं वापस नहीं आऊँगा और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे उनको वो मतलब जो फादर का वो प्यार कभी नहीं मिलेगा वो जानते हुए भी कि उसका स्टेप उसके अपने बच्चों को अनाथ बना रहा है वो स्टेप लेता है और आगे बढ़ता है क्योंकि उसके लिए वो लक्ष्य उसकी अपनी लाइफ से और अपने परिवार से ऊपर है तो लेकिन जब वो ऐसी जगह जाता है वो अपना प्यार अपना वर्ड्स अपने परिवार को कन्वे करना चाहता है और शायद आपको पता होगा जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो सिक्योरिटी रीजन से हमारी फैमिली को नहीं पता होता कि हम किस अटैक पे जा रहे हैं और कौन कब जस्ट उन्हें यह पता है कि हम आगे हैं बट इतनी बड़ी फ़ौज में कौन उस मेन अटैक के लिए जा रहा है और उस समय हमें पता होता है जब हम इस अटैक के लिए जैसे कारगिल में बात की कि जीतने के चांसेस एक परसेंट भी नहीं थे तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर थे कि शायद हम इस अटैक से वापस नहीं आएंगे तो आर्मी में जब आप इतने डिफ़िकल्ट अटैक के लिए जाते हैं तो एक ट्रेडिशन होता है राइटिंग अ लास्ट लेटर वो लेटर आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप अपने परिवार को अपने बच्चों को अपनी वाइफ को अपने पेरेंट्स को कुछ कन्वे करना चाहते हैं अपने लास्ट वर्ड्स बोलना चाहते हैं क्योंकि आपको फिर वो चांस नहीं मिलेगा और जब आप उन्हें लिखते हो वो लेटर को तो वो आपके लास्ट बॉक्स में बैग में सील कर दिया जाता है उसके ऊपर नाम लिखा होता है जिसको भी आपने जैसे अपने बच्चों को लिखा अपनी वाइफ को लिखा अपने मदर को लिखा फादर को लिखा और आप उसको बंद करके अटैक के लिए जाते हो अगर आप जीत के आते हो तो आप आके उस लेटर को फाड़ देते हो और अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हो लेकिन अगर आप वीरगति को हो, प्राप्त होते हो तो वो बॉक्स आपके घर जाता है और जब उस बॉक्स को खोलते हैं तब वो लेटर आपके पेरेंट्स या सबको मिलते हैं इनफैक्ट हम नोएडा में बैठे हैं कैप्टन था थापर मेरे साथ थे और उस लास्ट अटैक में जाने से पहले मैंने और कैप्टन विक्रम ने कैप्टन विजय ने साथ साथ वो लेटर लिखा था और जब वो लेटर उनके पेरेंट्स को मिला था तो उसकी लेटर की पहली लाइन थी कि डियर डैड वेन यू विल रिसीव दिस लेटर आई विल बी वॉचिंग यू फ्रॉम द स्काई बट मेरी शहादत का आप कभी अफसोस नहीं करना क्योंकि जब जब देश पर मुसीबत आएगी किसी को आगे बढ़ना होगा किसी को बलिदान देना पड़ेगा इस देश की जो हमारा सम्मान है इसकी इंटीग्रिटी है उसको बचाने के लिए और उसको सबसे ऊपर इस तिरंगे को फहराने के लिए इनफैक्ट मैंने अपनी मदर को वो लेटर लिखा था मेरी इनफैक्ट मेरी एक महीने पहले शादी हुई थी मैंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था मैंने अपनी मदर को लिखा था फादर को लिखा था एंड मैंने लिखा अपनी मदर को कि मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था मैं चाहता हूं कि जब आप लोग ओल्ड हो मैं आपकी देखभाल कर सकूं मैं आपका ध्यान रख सकूं बट मैं अपनी ड्यूटी में फेल हो जाऊंगा शायद क्योंकि मैं कल जब आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं यहां पे नहीं होऊंगा मैं आपका ध्यान नहीं रख पाऊंगा उस समय लेकिन आपको हमेशा गर्व होना चाहिए अपने बेटे पर क्योंकि आज मैं अपनी मदर से ऊपर हर आदमी अपनी मदर के लिए बहुत पैशनेट होता है लेकिन किसी को इस भारत माता को अपनी मदर से ऊपर चूज करना पड़ेगा कि अगर मुझे वो बलिदान देना पड़े तो मैंने अपनी मदर को लिखा था शायद मैं नहीं होऊंगा मैं लकी था कि मैं वापस आया जो मेरे गोलियां लगी थी लास्ट अटैक में बट मैं वापस आया बहुत इंजर्ड होने के बाद बट कितने लोग थे जो शहीद हो गए लाइक कैप्टन था पर कैप्टन विक्रम बत्रा और आज तक उनके परिवार में उनकी वो कमी है ह्यूमन बींग बट वी ऑल आर प्राउड ऑफ अवर कॉमरेड्स अवर मेम्बर्स जिन्होंने कि अपनी जान से ऊपर रख के राष्ट्र को ऊपर रखा जिससे हम सब इंडियन एक एक प्राउड की फीलिंग कर सके और वी कैन हैव दिस फ्रीडम जी मुझे लगता है न्यूज़ रूम से भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं तो एक एक करके हम न्यूज़ रूम पर भी आते हैं अगर किसी का सवाल हो तो पूछ सकता है ऐसी कौन सी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं या प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो आर्मी आपको देती है और आप इस तरीके से तैयार हो जाते हो उस सिचुएशन के लिए तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल बनाती हैं सो so, जब आर्मी में ट्रेनिंग होती है तो सबसे पहले जब मैं जब हम लोग पास आउट हो रहे थे जब हम ऑफिसर बनते हैं तो एक अंतिम पग होता है तो जैसे आई एम देहरादून से पास आउट होते हो चैटपुट बिल्डिंग है तो एक चैट मोटो है राइट सो मैं आपको बताना चाहूँगा बिकॉज वो एक असेंस है कि आपका माइंड क्या होना चाहिए वो ये बोलता है कि इन वॉट एवर कंडीशन इन एवरी सिचुएशन द ऑनर प्रस्टीज ऑफ माई कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम द मैन आई कमांड देयर वेलफेयर देयर सेफ्टी एंड देयर ऑनर कम्स नेक्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम माई ओन कंफर्ट माई सेफ्टी एंड माई ओन वेलफेयर कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम तो एक लाइफ में आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जब भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी आपको पता है राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट कि मेरा राष्ट्र सबसे ऊपर है तो एक आपके यहाँ फीलिंग होती है जब आप प्रिपेयर होते हैं एंड इनफैक्ट ये एक आर्मी ऑफिसर ही क्यों हर आदमी को ये फीलिंग रखना चाहिए कि मेरा राष्ट्र हर परिस्थिति में सबके सामने आएगा मैं जो भी कर रहा हूँ मैं चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ मीडिया में कर रहा हूँ बैंकिंग में कर रहा हूँ बट इस जॉब को करते हुए भी क्या मैं अपने राष्ट्र को सबसे आगे रख सकता हूँ एंड दूसरी चीज़ जो आपको प्रिपेयर करने के लिए एक डिसिप्लिन हमेशा होता है सो so, आप वो कहते हैं कि जितना आप पसीना आप अपनी ट्रेनिंग में बहाएंगे उतना कम ब्लड आपको लड़ाई में बहाना पड़ेगा सो यू प्रिपेयर फॉर दीज अटैक बट जब रियल सिचुएशन सामने आती है तो आपकी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण से ज़्यादा आपका काम आता है आपकी वो वैल्यू सिस्टम आपके वो फंडामेंटल जो आपको सिखलाते हैं कि आपको किसी भी हालत में यू डोंट हैव टू गिव अप एंड लाइफ में हर चीज़ आपके ऊपर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगी बट जिस दिन तक आपने हार नहीं मानी उस दिन तक आप डिफीटेड नहीं हो यू जस्ट टेक फेलियर एट द फर्स्ट स्टेप सो हम लोगों को लाइक like, कारगिल वॉर में भी बहुत सेटबैक हुए थे इनिशियली जब हमने अटैक किया हमारे अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि मैंने आपको सिचुएशन बताया बट हर अटैक से हमने एक लर्निंग ली और उस कमी को पूरा करके नेक्स्ट अटैक लॉन्च किया इट वॉज़ हमें विजय तो हासिल करनी है इट वॉज क्वेश्चन कब और कैसे सो so, फेलियर को हमेशा हमने लिया एफ ए आई एल फेल फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग सो दैट्स अ लर्निंग एंड वी वर वेरी श्योर कि हमें तो ये लड़ाई जीतनी ही जीतनी है चाहे इसके लिए हमें कुछ भी बलिदान देना पड़े या कुछ भी कीमत चुकानी पड़े

बट देन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि जब आप एक डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो लगता है शायद इम्पॉसिबल है वो आप कर सकते हो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कैंप रोवर्स होता है तो कैंप रोवर इस समय दुनिया के टफेस्ट कैम्प है अंडर नाइनटीन में पूरे वर्ल्ड में ये हमारे एन जो हमारी ट्रेनिंग एकेडमी है नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में उसमें फोर्थ टर्म में होता है उसमें सिक्स डेज के लिए आपको दे टेक यू थ्रू द एक्सट्रीम डिफिकल्ट फिजिकल मेंटल कंडीशंस और जब आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आप एक स्टेप नहीं ले सकते उस दिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट शुरू होता है विच इज़ कॉल्ड जोश रन एंड जोश रन इज़ फॉर 24 फोर आवर्स मतलब 24 घंटे के अंदर आपको वो रूट पूरा कंप्लीट करना है जिसमें आपको पहाड़ के ऊपर जाना होता है रिवर क्रॉस करनी होती है जंगल क्रॉस करने होते हैं एंड डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर जो आपको नेविगेट करते हुए आपको पूरी एक यूनिट होती है आप पंद्रह सोलह लोग होते हो एक एक जो कंपनी या स्कॉन साथ चलती है आपको वहाँ पहुँचना है अपनी अटेंडेंस लगानी है देन आपको नेक्स्ट उस पर जाना है तो जब आप ये पूरा कर लोगे और चौबीस घंटे में आप पहुँचोगे तो आपका आप सक्सेसफुल हो लेकिन उसकी दो कंडीशन है फर्स्ट आपने 24 घंटे में जो आपको साजो सामान दिया गया था लाइक आपके पीछे 40 किलो का वेट होता है राइफल होती है बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं आपको उनके साथ पहुंचना है और दूसरी चीज़ आपको अकेले नहीं पहुंचना है आपकी जो पूरी यूनिट है इट हैज टू कम टुगेदर तो अगर आप पंद्रह लोगों में से एक भी लोग चौदह लोगों ने कर लिया एक न फेल हो गया तो एंटायर कंपनी हैज़ टू गो बैक अगेन तो डिसिप्लिन आपको ये बताता है कि किस तरह आपको लाइफ की छोटे छोटे गोल जो बड़े गोल हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में बांध के कंप्लीट करना है

अब लड़ाई में आपने एक रणनीति बनाई है कि आई विल अटैक फ्रॉम दिस साइड सेकंड यूनिट विल अटैक फ्रॉम योर साइड बट ये तो आपकी रणनीति है राइट right? एनिमी की नहीं है एनिमी कुछ भी आपको सरप्राइज कर सकता है सो देर इज़ ए वर्ड एंड आई थिंक वो आपको यूज करना चाहिए रियल लाइफ में ऑल्सो विच इज़ कॉल्ड कंटिन्जेंसी प्लानिंग सो कंटिजुएंसी प्लानिंग इज मेरा प्लान ए है ये आई विल अटैक फ्रॉम देयर और उस प्लान का रिहर्सल सब करते हैं क्योंकि आपकी सक्सेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है यू अटैक एज ए टीम राइट एक टीम चढ़ रही है दूसरी टीम एनिमी के ऊपर फायर कर रही है जिससे वो इस टीम के ऊपर फायर ना करे दिस इज कॉल्ड फायर एंड मूव बट आपने सपोज एक अटैक शुरू किया एक डायरेक्शन में एंड देन यू रियलाइज कि ये तो आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि एनिमी ने अपनी सारी फोर्स उसी पे लगा रखी है तो देन व्हाट यू डू सो बिफोर यू डू योर प्लानिंग आप उसके डिफरेंट सिनेरियो बनाते हो यू से दिस इज माई प्लान वन टू थ्री फोर एंड हर प्लान का एक कोड नेम होता है सो so, हर आदमी को सपोज हमने एक मेन प्लान है और तीन कंटिजेंसी प्लान है सबको उनका कोड वर्ड पता है वी स्टार्ट विद अ प्लान ए और प्लान वन जब हम उस सिचुएशन पे पहुँचे और जैसे आपने बताया अनफॉर्चुनेट सरकम चांसेस सडन चेंज जब भी ये आता है तो जो लीडर है उसे पूरा नहीं बोलना कि अब ये करना है करना वो एक वर्ड बोलेगा प्लान सी एवरी वन पूरे रेजिमेंट में सबको पता है कि प्लान सी का क्या मतलब है तो अगर प्लान बी में आप ऐसे जा रहे थे ए में आपको पता है प्लान सी में इस यूनिट को यहाँ घूम के जाना है सो तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो उसके अलावा भी कई बार ऐसा आ जाता है कि आपके उन फोर कंटिजेंसी प्लान में कुछ नहीं होता देन ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द स्टेप लुकिंग एट योर सिखलाई योर ट्रेनिंग बट यस इन लाइफ वी शुड ऑलवेज प्लान फॉर कंटिन्जेंसी राइट हमने सोचा मेरा करियर प्रोगेशन विल बी लाइक दिस बट एनी थिंग कैन कम राइट कोविड हुआ आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनी उसके लिए तैयार नहीं थी इंडिविजुअल तो क्या कंपनी भी तैयार नहीं थी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग जो हम बोलते हैं नन ऑफ द कंपनी वॉज प्रिपेयर फॉर दिस बट देन वर्क आउट ए प्लान इन द सिमलर वे लाइफ में हमें हर चीज़ के लिए अपनी कंटिन्जेंसी प्लानिंग रखना चाहिए कि अगर ये चीज़ सही नहीं चली तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है You have to immediately move to Plan B, Plan C, and move on in life, because aim is to reach there, right? And nothing can stop. जैसे कि आपने बताया कि प्लान पहले से तैयार होते हैं प्लान A, B एंड C. तो कारगिल वॉर की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे कितने प्लान्स रेडी थे और कौन से प्लान पर वो जाके हमने विजय हासिल की तो so, कारगिल की लड़ाई एक लड़ाई नहीं थी कारगिल की लड़ाई में बहुत सारी पीक्स थी जैसे मैंने आपको बताया एनिमी ने सारे हिल्स पे कब्जा कर लिया था और इसमें जो कुछ टॉप की हिल्स थी जैसे आपने नाम सुना होगा टाइगर हिल टोलोलिंग पॉइंट फाइव वन फोर जीरो फोर एट सेवन फाइव जुबेर हिल तो बहुत सारी मेन हिल्स थी जो एनिमी का सेंटर था तो हर उस पीक पे कब्जा करना था हर पीक के लिए एक मेन प्लान होता था एंड मैं जो कारगिल में देखा मैनी टाइम हमें अपने प्लान चेंज करने पड़े क्योंकि हमने जो भी अजम्शन लगा के सोचा था कि यहाँ पे हम इधर से करेंगे मैनी टाइम वी रियलाइज़ कि वहाँ पे एनिमी ज़्यादा था बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस तो मैनी टाइम जैसे टोलो लिंक की लड़ाई थी टोलो लिंक की लड़ाई पे जब हमने चढ़ाई करना शुरू किया था एनिमी को हमारे फर्म बेस का पता चल गया था मतलब जहाँ से हम अटैक शुरू करने वाले हैं, जी। तो एनिमी ने पहले से उस चीज़ को मार कर रखा था जैसे ही हम लोग कंसनट्रेट कर रहे थे जैसे मैंने बताया सारे अटैक रात को हो रहे थे, होते थे तो जब लास्ट लाइट हो जाती थी अराउंड छः साढ़े छः बजे हमारा अटैक के सब लोग इकट्ठे होते थे एंड वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जाते थे एनिमी को वो पता चल गया उस जगह का बिकॉज एनीमे वो टॉप पर बैठे थे जितना भी हम लोगों ने अपना बचने की कोशिश की बट उन्हें पता चल गया कि अटैक आ रहा है उन्होंने पाकिस्तान से आर्टलरी फायर किया और एयरबस्ट यूज़ किया सो एयरबस्ट एक तरह का मिशन होता है जिसमें आर्टलरी का गोला आर्टलरी का गोला आई डोंट नो कितने लोगों को पता है जैसे बोफोर्स है उस तरह की जो कैलीवर की गन होती है इतना बड़ा होता है और उसका किलिंग रेजियंस 200 मीटर तक होता है और इसका एयर बस कैसे यूज़ होता है कि वो जमीन पे नहीं गिरता वो हवा में 50 मीटर ऊपर फटता है और उसमें से जैसे हजारों बुलेट्स निकलती है वो चारों डायरेक्शन में जाती है तो अगर आप एक चट्टान के साइड में भी बैठे हो तब भी आपको हिट कर सकता है तो एनिमी ने अटैक किया उस तरह से और हमारे कुछ लोग इंजर्ड भी हो गए बट इमीडिएटली हमने एक दूसरे फॉर्म बेस का प्लान कर रखा था तो इमीडिएटली एक जो उसका कोड वर्ड था वो पास हुआ एंड इमीडिएटली एवरी वन मूव देयर एंड वी स्टिल लॉन्च द अटैक दो एनीमी वॉज थिंकिंग कि इतना उसने क्योंकि हमारी लोकेशन पता कर ली है तो शायद हमारा अटैक सक्सेसफुल नहीं होगा बट ऐसा नहीं हुआ हमने अटैक फिर भी किया बट प्लान सी के साथ नो नो कुछ था था। कुछ वर्ड्स भी होते थे के पे कौन सा था? तो कारगिल के टाइम पे जैसे टोलोलिंग में अलग कोड वर्ड था सो तो, हाँ। so, पे हमने रखा था जय भारत मतलब एक हमने भारत के ऊपर रखा था एक जो जैसे मेरी यूनिट थी राजपुताना होती राइट तो लोग अपने उसमें करते थे तो राजपुताना हमेशा अपने ऊपर बहुत फक करते थे कि हम किसी भी लड़ाई में हार के नहीं आएंगे तो उन्होंने शिवाजी के ऊपर रखा था जैसे ही आपने शिवाजी बोला उन्हें पता है वो वाला है तो इस तरीके जैसे हम सबके भी कोड नेम अलग अलग होते थे तो जिससे एनिमी को हमारी असलियत का पता ना चले और वो तो बिल्कुल खड़ी पहाड़ी थी माइनस ट्वेंटी एट डिग्री टेम्परेचर ऐसे में पीठ पर इतना सामान लादना ऊपर से खाने का सामान भी ले जाना और गोला बारूद और आप तो आर्टिलरी को लीड कर रहे थे तो कितनी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर और कितना सामान आप ऊपर लेके गए थे तो सबसे पहली बात जो सबसे ईजी था जिसमें वेट कम कर सकते थे वो था अपना फूड और वाटर तो चॉइस ये थी कि आप गोलियाँ लेके जाओगे या फूड लेके जाओगे एंड हम सब ने सोचा एक बार हम कैप्चर कर लेंगे तो बाद में खाना तो शायद आ जाएगा हो सकता है तीन चार दिन भूखे रहना पड़े उसमें कोई मरता नहीं है और हमने अपना पानी खाना सब निकाल दिया था वी वर जस्ट कैरिंग द बुलेट्स एमिशन गिनेट रॉकेट लॉन्चर्स बिकॉज जस जिस समय तक आपके पास हथियार है आप एनिमी को फायर कर सकते हो तो उस पर हम चांस नहीं ले सकते थे तो वी वर कैरिंग राइट फोर्टी तो, बिटवीन फोटी तो टू फिफ्टी के जी वो कर रहे थे एंड हमें पूरा भरोसा था कि अगर एक बार हम ऊपर पहुँच गए तब तो हम किसी भी तरीके से हमारा जो रसद है वो आ जाएगा बट हुआ ऐसा नहीं एक्चुअल में थोड़ा प्रॉब्लम भी हुई थी वहाँ पे जब हमने कुछ कैरी नहीं किया था लेकिन उस समय हमने सब कुछ निकाल दिया था और कारगिल में सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि जो हमारी रोड थी जिससे हमारा पूरा खाना अमनीशन आ रहा था वो उस पर एनिमी डायरेक्ट फायर कर रहा था तो कई बार हमें कई कई दिन तक खाना भी नहीं मिलता था बट डज नॉट मैटर आपकी बॉडी आपका मेंटल जब आप विश्वास करो तो आपकी बॉडी इतना ले सकती है कि कभी आप सोच भी नहीं सकते तो हमने ये जब अटैक शुरू किया था उसके साथ तो सारा फूड और वाटर निकाल दिया था और हमने एनिमी की जो सारी जहाँ जहाँ बैठा था मैप में एनिमी की सारी पोजीशन मैप कर रखी थी और जब हमने एनिमी के ऊपर चढ़ना शुरू किया तो 105 गन्स एंड आर्टलरी गन्स अपने लक्ष्य से 30 से 35 किलोमीटर दूर होती हैं उनके जो गोलों की रेंज होती है वो तीस से पैंतीस किलोमीटर होता है और वैसे स्ट्रेट लाइन में नहीं आता जैसे टैंक का गोला पैराबोलिक बन के आता है एंड जो आर्टलरी ऑफिसर है उसको इसी चीज़ में एक्सपर्टाइज़ होती है कि, कि किस तरीके से किस एंगल पे फायर किया जाए कि वो उन पहाड़ियों के ऊपर गिरे उसका ये मकसद होता है एक तो दुश्मन को बर्बाद करना और दूसरा एटलीस्ट अगर दुश्मन नीचे घुस जाएगा अपने बंकर में उस मौके का फ़ायदा उठा के जो हमारे कमांडोज़ हैं वो ऊपर तक पहुँच जाए तो जब हमने टोलो लिंग का अटैक शुरू किया था तो एक बड़ी गन्स का फायर टोलो लिंग के पहाड़ियों के ऊपर था जिससे दुश्मन नीचे घुस गया अपने बंकरों में बचने के लिए और हमारे जो जवान थे कमांडोज हम सब आगे बढ़ते जा रहे थे और आई थिंक वो आर्टलरी की प्लानिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आवर विक्ट्री इन टोलोली और मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी थी उसमें मैंने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तान सेना के जवान बहुत टाइम से वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने बंकर बना रखे थे और उन्होंने जश्न की पूरी तैयारी भी कर रखी थी वहाँ पर हलवा बना रखा था तो आप जब ऊपर पहुँचे और पीक पर पहुँचे तब आपने क्या देखा वहाँ पर बंकरस में सो so एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया हमने सोचा था कि खाने पीने का सामान हमने सब निकाल दिया था हमें लगता था जब हम पहुंच जाएंगे कमांडो टीम ऊपर तो उसके बाद जो हमारी सेम टीम होती है जो हमें रिप्लेसमेंट पहुंचाती है कुछ ना कुछ तो खाने के लिए आ जाएगा बट कहते हैं ना लाइफ में हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती हम ऊपर पहुंच गए बहुत लड़ाई हुई मैन टू मैन फाइट हमारी भी कुछ इंजरी हुई बट जब हम ऊपर पहुँचे तब एनिमी घबरा गया क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि भारतीय फ़ौज इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन में सेवेंटी टू एट्टी डिग्री पहाड़ियों पर जो बर्फ से भरी पड़ी है जिसमें रस्सियों के बिना आपका एक एक कदम लेना मुश्किल है देवर हंड्रेड परसेंट श्योर अबाउट देयर विक्ट्री तो इसीलिए वो अपना निश्चिंत भी बैठे थे जब हम ऊपर पहुंचे तो थोड़ी लड़ाई हुई उसके बाद वो लोग पीछे भागने लगे और उनके ऑफिसर थे वो जल्दी पीछे थे तो हमेशा लीडर को आगे होना चाहिए बट ये एक डिफरेंस है भारतीय फौज और पाकिस्तान फौज में कि लड़ाई के समय भारतीय सेना के ऑफिसर सबसे आगे से लीड करते हैं जो भी लीडर हो ऑफिसर हो जे हो बट वो सबसे आगे से लीड करते हैं जबकि पाकिस्तान में ऑफिसर पीछे से कंट्रोल करता है जो उनकी ट्रेनिंग में होता है ट्रेनिंग में हमारी भी यही सिखलाई होती है लेकिन लड़ाई में सिचुएशन अलग हो जाती है एंड वी लीड फ्रॉम द फ्रंट तो जब आगे वहाँ पहुँचे तो पाकिस्तान के लोग भागने लगे और जब वो भाग गए और हमने उसको कब्जा कर लिया बट सिचुएशन ये थी कि हमारे आठ जवान बहुत बुरी तरह घायल थे उनके डिफरेंट जगह या आर्टलरी की शैलिंग का इंजरी थी पांच लोग शहीद हो चुके थे हर आदमी ने पिछले दो दिन से कुछ नहीं खाया पिया था और वो उस कठिन परिस्थितियों में लड़के वहाँ तक पहुँचा था तो शरीर की जो आपकी पावर और शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी और उन्हें कुछ खाने के लिए जरूरी था कि वो सर्वाइव कर सके सेकेंड उस समय पाकिस्तान के काउंटर अटैक का खतरा था क्योंकि पाकिस्तान का जब भी कोई पीक जाती थी काउंटर अटैक तो होना था और पाकिस्तान इतना घबरा गया इतना बौखला गया इस डिफीट से कि उसने इतना अटलरी का फायर किया कि जो हमारी रिप्लेसमेंट टीम थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी जो हमारे लिए खाना और रिप्लेसमेंट या जो नई टुकड़ी आने वाली थी हमें रिप्लेस करने के लिए अब हम वहाँ फंस गए सिचुएशन आठ लोग घायल पड़े हैं गोलियों से हर आदमी ने तीन दिन से खाना नहीं खाया है उस पल में हमने यही सोचा कि जब यहाँ पे ये यह लोग बैठे थे दो तीन महीने से इन्होंने कहीं तो कुछ अपने खाने पीने का बंदोबस्त किया होगा और जब हमने मुड़ के देखा तो ये जो पहाड़ी हमने कैप्चर की थी उसके बाद एक वैली थी और उसके बाद दूसरी पहाड़ी थी जिसमें अभी भी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ था उस वैली में हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया और क्योंकि हमारी सिखलाई ऐसे होती है कि आप किचन हमेशा सेफ प्लेस में बनाते हो तो सेफ प्लेस वैली था क्योंकि दोनों तरफ पहले पाकिस्तान बैठा था तो वैली सबसे सेफ जगह थी बट अब एक हिल पर हमने कब्जा कर लिया तो हमने कहा भूखे मरने से अच्छा है कि लड़के मरेंगे कुछ खा के मरेंगे तो ट्राई करते क्योंकि अगर कुछ भी नहीं पहुंचा तो तीन चार पाँच दिन तक कब तक सर्वाइव करेंगे और एनिमी काउंटर अटैक भी कर सकता है तो मैं और मेरे एक साथी थे हमने सोचा कि चांस तो लेना है लाइफ में लड़ना तो है वी विल नॉट गिव अप हमने अपने पीछे बैग ला दे और खाली बैग और हमने नीचे दौड़ना शुरू कर दिया क्योंकि हमें उम्मीद थी शायद कुछ खाने को मिल जाए जैसे सामने एनिमन देखा कि दो लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं उनकी समझ में नहीं आया कि इंडियन फोर्सेस क्या कर रहे हैं अब क्या ये दो लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे जहाँ पे कई 500-700 लोग सामने बैठे हुए हैं बट बाय द टाइम दे रिलाइज ए स्टार्टेड फायरिंग डाउन स्लोप तक नीचे पहुँच गए थे और नीचे पहुँच के हमने जो देखा वहाँ पर पाकिस्तान ने पूरी जीत के बाद जश्न की तैयारी कर रखी थी जिसमें बिरयानी थी कराची का हलवा था बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे खीर थी और आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट फीस्ट मोस्ट टेस्टी यू नो स्प्रेड आई कुड एवर बिकॉज वी वर हंग्री फॉर लास्ट थ्री डेज एंड कंटिन्यूसली फाइटिंग बट कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम तो हमने उसको पैक किया बट हमने डिसाइड किया कि पहला दाना अपने मुँह में डालने से पहले हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जवानों के लिए जो अभी भी कितने लोग घायल हैं और अगर हम खाएंगे तो हम साथ खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे तो हम जितना भी अपने बैग में भर सकते थे हमने भरा और हम स्मोक बम लेके आए थे अपने साथ हमने हमें पता था जैसे ही हम बाहर निकलेंगे एनिमी हमें देख रहा था और फायर करेगा और हमने सामने अपनी पहाड़ी पे जवानों से बोला कि एनिमी के ऊपर फायर करना शुरू करो क्योंकि अब हमें अपिल जाना था और हमने चारों तरफ स्मोक बम फेंकने शुरू कर दिए जिससे एनिमी को क्लियर ना दिखे कि हम कहाँ हैं वो तो गोलियां तो चलाएंगे बट इट वॉज ऑल इन गोड्स गॉड्स एंड कि हम पे गोली लगेगी नहीं लगेगी और जितनी शक्ति हमारे पास बची थी हमने उस पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर दिया एंड आई थिंक ये सौ करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास था प्रार्थना थी कि हम सकुशल ऊपर पहुंच गए एक भी गोली नहीं लगी एनी मैने कई सौ गोलियां चलाई होंगी हवा में क्योंकि वो क्लियर तो हमें देख नहीं सकते थे स्मोक की वजह से बट फिर भी कुछ तो गोली लग ही सकती थी तो हम बहुत लकी थे शायद वो इस देश वासियों का प्यार था और ऊपर जाके जो हमने पार्टी मनाई है आई एम यट टू सी ए पार्टी लाइक दिस सो दैट्स हाउ वी सरवाइव एंड आफ्टर टू डेज आर रिप्लेसमेंट केम एंड देन उस चोटी पर तिरंगा फहराने के साथ भारत की सेना ने उस दिन दावत भी खूब जमकर मनाई अच्छा एक सवाल मेरा और था आ, मेजर गौरव वारा जब आए थे उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बताया है कि एक ज़माना था जब पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सैनिकों का मजाक उड़ाते थे, थे वो बोलते थे कि अगर हमें गोली चलानी है भारत के सैनिकों पर तो हमें इस्लामाबाद फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है बगर अगर अगर आपको वापस हमें फ़ायर करना है तो आपको दिल्ली फ़ोन लगाने की ज़रूरत है तो क्या ऐसा है प्रोटोकॉल अगर हम युद्ध की स्थिति की बात ना करें तो क्या ऐसा प्रोटोकॉल है कि आप फायर करने से पहले पूछते हैं सो इतना नहीं है जो लोकल कमांडर्स होते हैं उन्हें कुछ लेवल की फ्रीडम होती है कि अगर मान लीजिए ऐसे तो मैं बोलूं कि अगर एनिमी घुसी आएगा आपके घर में तो आप लड़ाई करेंगे बट जनरली जो एक स्मॉल आर्म फायर के अलावा आर्टलरी फायर एक लेवल के बाद जब एस्केलेशन होता है तो जनरली प्रोटोकॉल है कि आप पीछे इन्फॉर्म करते हो और अगर एस्केलेशन बढ़ रहा है देखिए अगर बाउंड्री कहीं पर क्रॉस हो रही है तो जो लोकल कमांडर है उसके पास में पावर है ही कैन टेक एक्शन बट यस इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट आई थिंक थिंग्स हैज चेंज पहले ये होता था कि आपको काफ़ी आपके हाथ बंधे हुए थे और आपको पीछे बोलना पड़ता था कि दुश्मनों की तरफ से फायरिंग आ रही है हमारा ये प्लान है ऐसा नहीं था परमिशन नहीं मिलती थी बट यस आपको लेना पड़ता था अब हम एक का जवाब दो से देने लगे हैं और जैसे आपने बालाकोट में देखा और सर्जिकल स्ट्राइक में देखा तो हम ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भारत एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र है और हमारे ऊपर अटैक चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो चाहे टेरिस फॉर्म में हो बट हम उसको नहीं सहेंगे और उस चीज़ के लिए हम लोग उसका डबल जवाब देंगे तो अभी हमारे पास वो शायद एम्पावरमेंट कहीं ज़्यादा है और हमने ये बालाकोट स्ट्राइक्स या सर्जिकल स्ट्राइक से प्रूव कर दिया कि इवन अगर आप टेरिस के थ्रू घुस के एक कायरों की तरह कावर्ड की तरह वॉर करके मतलब हम पे अटैक करके अंदर भागोगे तो फिर भी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम आपको घुस के मारेंगे सो वी आर मच मोर एम्पावर्ड नाउ एंड रेडी टू टेक एक्शन यानी कि अब भारतीय सेना गोली बंदूक उठाने से पहले सोचती नहीं है और ना पूछती है अगर I mean सामने से अटैक हो तो नॉट गो टू दैट एक्सट्रीम कि पूछती नहीं और सोचती नहीं है बट यस वी आर फ्री टू रिप्लाई बेस्ड ऑन द सिचुएशन वॉट एनी मीज क्रिएटेड Sir, as you mentioned earlier, that a good leader has certain qualities that set him apart. so how can young professionals cultivate these leadership qualities and how, what actions can we take to develop these traits? so i think one we talked about, obviously discipline is one fundamental because that gives see, we look at our goal in a very objective manner. but other than this, you know, two, three very important things. and if i say from the leadership perspective, it's very important, action speak louder than words, right? जब हम अपनी टीम में होते चाहे वो कॉरपोरेट में हो किसी और कंपनी में हो कहीं पे भी काम कर रहे हो और इंडिया में तो वी हैव गॉट पॉलिटिकल लीडर्स ऑल्सो आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग राइट सो हम बहुत बातें करेंगे बट जब एक्चुअल ग्राउंड पर आएगा हो सकता है कि हम वो चीज़ ना करें जो हम बोल रहे हैं तो so, कारगिल की लड़ाई में मतलब मैं एग्जाम्पल आपको ये दे रहा चाह रहा हूँ जब ये अटैक हो रहा था तो सिखलाई के हिसाब से जो लीडर था उसको बीच में रहना होता है और पाकिस्तान के ऑफिसर बीच में ही रहते हैं या जो भी लीडर है जेसीओ है वो भी बीच में रहता है जो लीड कर रहा है उस ट्रुप को क्योंकि उसको कमांड एंड कंट्रोल करना है बट लड़ाई और ट्रेनिंग में डिफरेंट है जो आपका सबसे आगे जवान जा रहा है उसको पता है कि पहली गोली मुझे लगेगी तो वो फियर है तो आप कैसे उसे मोटिवेट करोगे आप उसे बोल के मोटिवेट नहीं कर सकते कि चढ़ जा बेटा सूली पे आप उसको मोटिवेट कर सकते हो अपने एक्शन से और क्या एक्शन है जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने लिया विजयन थापर ने लिया कैप्टन मनोज पांडे हम सब यंग ऑफिसर ने डिसाइड किया वी विल लीड फ्रॉम द फ्रंट तो जब लीडर सबसे आगे आता है तो एक मैसेज दे रहा है कि पहली गोली हम जा रहे हैं बहुत डिफिकल्ट अटैक के लिए हमें पता नहीं हम वापस आएंगे या नहीं बट अगर पहली गोली लगेगी तो वो मैं रिस्क झेलूंगा अदर देन यू और वो चीज़ आपको अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करने के लिए हेल्प करता है विच इज़ लाइक अ वन ऑफ द टॉप लीडरशिप क्वालिटी देर आर मैनी अदर्स But I think if you You just just want to sum it up, just remember, your your action speak louder than your words. You have to show it by your action, and not just by saying or you know to your colleagues and to your team. एक कारगिल की लड़ाई का जब भी जिक्र आता है तो थ्री पिंपल्स की लड़ाई का भी जिक्र आता है वो क्या थी और आखिर ये नाम कैसे पड़ा ये सवाल बहुत दिनों से मन में था और मैंने सोचा था जब आप आएंगे तो पूछूंगा थ्री पिम्पल्स नाम कैसे पड़ा सो थ्री पिम्पल्स तीन पहाड़ियां हैं वो तीन पहाड़ियों में क्या वो तीन पहाड़ियां बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ियां थी और ये थ्री पिंपल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो टाइगर हिल थी ये टाइगर हिल का फ्रंट गार्ड थी जब तक आप इन थ्री पिंपल्स पे कब्जा नहीं करोगे जो हमारा लास्ट फ्रंटियर था टाइगर हिल उस पर कब्ज़ा नहीं हो सकता था तो ये तीनों पहाड़ियाँ स्टेट पहाड़ियाँ थीं और ये तीन पीक्स थी जिनको हम थ्री पिंपल्स के नाम से जानते थे और इन्हीं के पास एक और पहाड़ी थी जो पूरी ब्लैक थी उसको हम ब्लैक रॉक बोलते हैं इनको जीतना बहुत मुश्किल था और आई थिंक दैट वाज द डेडलीस्ट अटैक पूरे बिकॉज इस अटैक में हमारे तीन लीडर्स तीन ऑफिसर्स ने वीर गति दी तो मेजर आचार्य जो एक तरफ से लीड कर रहे थे कैप्टन विजयन थापर कैप्टन कैंगरूज मेरे इस अटैक में जो एनिमी का अर्टलरी फायर था उससे मेरे हाथ में मेजर इंजरी हो गई थी और इवन हमारे डॉक्टर तक को जो थोड़ा आगे आ गया था अपने जवानों और उसकी हेल्प करने उनको भी एनिमी का अर्टलरी फायर से हुआ था बट इस लड़ाई का मेन डिफ़िकल्टी ये थी कि इसमें तीन पिम्पल्स थे तीन पहाड़ियाँ थी सीधी सीधी और उन तीनों पहाड़ियों को आपको एक साथ कैप्चर करना था बिकॉज अगर आपने एक किया तो दूसरी दो पहाड़ियों से आप पे इतना फायर आएगा कि शायद आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे सो so, बहुत डिफ़िकल्ट लड़ाई थी और इसमें भी जब हम लोगों ने अटैक शुरू किया था तो एनिमी का फायर जैसे ही हमने अटैक शुरू किया बहुत ज़्यादा आया था और कुछ जवान शुरू में इंजर्ड हो गए थे बट वी हैव नॉट गिवन अप दूसरा इस अटैक की ये सबसे डिफ़िकल्ट थी अधिकतर अटैक हमने अमावस्या के पास किए थे डार्क नाइट में किए थे बट टाइमिंग ऐसा पड़ गया था कि इस समय पूर्णमाशी थी फुल मून था सो so, बट हम इतने दिन वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें धीरे धीरे विंटर आ रहे थे और सारी पहाड़ियों पर तेम, जो टेम्परेचर था वो कम होता जा रहा था और उतनी डिफिकल्टी बढ़ती जा रही थी एनिमी कंसोलिडेट कर रहा था तो बिना उस पंद्रह दिन और वेट करने के हमने फुल मून नाइट पर अटैक किया था जहाँ हमें एनिमी पहले स्टेप से देख सकता था कि कैसे भारतीय फ़ौजें आगे आ रही है तो ये थ्री पिम्पल्स की लड़ाई थी और इसी थ्री पिम्पल्स की लड़ाई में जो एनिमी आर्टलरी फायर थे जब मैं बहुत क्लोज था मेरे एनिमी आर्टलरी का गोला आके लगा था और हाथ का एक पार्ट पूरा उड़ गया था बट आपकी जो इंडिविजुअल इंजरी है वो पूरे लक्ष्य से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग उस समय बिल्कुल लास्ट स्टेप पे थे हमारे जो कमांडोज थे वो लास्ट फाइनल असॉल्ट कर रहे थे एनिमी के ऊपर और मैं एनिमी का फायर डायरेक्ट कर रहा था जो ये पूरी वो फोर्स और सारी गन थी जिससे कि वो हमारे ऊपर फायर ना कर सके तो इसलिए मैं रुक नहीं सकता था और इंजरी होने के बाद भी हमने एक फील्ड ड्रेसिंग बांध के वो अटैक कंटिन्यू रखा बट कुछ देर में ब्लड इतना बह गया कि हमने जीत तो हासिल कर ली बट इतने ब्लड लॉस की वजह से आई लॉस माई कॉन्शियसनेस और उसके बाद भी मुझे एक पाँच घंटे की चढ़ाई वापस करनी थी जहाँ मुझे डॉक्टर मिल सकता था तो किया मैंने और आई थिंक ये एक मरैक्ल है कि मैं आप लोगों के सामने आज तक बैठा हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ एक सर आखिरी सवाल अग्निवीर योजना को लेकर है आ, पिछले दिनों अग्निवीर योजना को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और हमने उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखा तो आप क्या सोचते हैं अग्निवीर योजना पर और एक जवान देश के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहता है सो so, अग्निवीर योजना के कुछ प्लस पॉइंट हैं मेरिट हैं कुछ डीमेरिट्स भी हैं मेरिट्स ये हैं कि जब आपके सौ लोग आपकी आर्मी को ज्वाइन करते हैं उसमें से हो सकता है हर आदमी जब ट्रेनिंग एक्चुअल शुरू होती है उस लेवल तक ना आ पाए तो इसलिए एंड सेकेंड जवान लेवल पे आपको यंग लोग चाहिए होते हैं जो आपको आगे बढ़ सके कर सके बाद में आपको लीडरशिप लेवल पे ऑब्वियसली इट्स ए प्राइमरी स्ट्रक्चर कम लोग चाहिए होते हैं तो इसलिए ये प्लान किया गया है कि 75 परसेंट लोग बाहर आ जाएंगे 25 परसेंट लोग जो आपके सबसे अच्छे हैं वो आगे चलेंगे तो ये इसका एक तरह से फ़ायदा है कि आपके पास हमेशा यंग आर्मी है बट इसके कुछ लॉस भी है बिकॉज जो आपकी जब आप एक रेजिमेंट में रहते हो तो आपकी वो लॉयल्टी बनती है आपको पता है कि अगर शायद चार साल बाद आपको वापस जाना पड़े तो आपकी वो जो लॉयल्टी है उस यूनिट से उस रेजिमेंट से जैसे मैं राजपुताना राइफल के साथ था उन लोगों के लिए यूनिट और रेजिमेंट की इज्जत अपनी लाइफ से बढ़ के थी बट वो तभी बनती है जब आप देखोगे कि ये मेरा एक मेरे लिए एक मेरे घर से बढ़ के है मेरी रेजिमेंट तो ये डेफिनेटली उसके जो आपकी लॉयल्टी है और बॉन्ड है उसमें फर्क पड़ेगा तो इसके प्लस एंड माइनस है एंड आई थिंक वी विल सी आगे तीन चार सालों में कैसे इट टर्न आउट और मैसेज मैं आज के दिन यही देना चाहूँगा नौजवानों को कि लाइफ में आपको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हमें उन डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए और उसके दो ही तरीके हैं जो भी आपको लाइफ आपको सिचुएशन करेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है कल आप रोड पे जा रहे हो कि एक्सीडेंट हो सकता है आपकी कंपनी में कुछ चेंज हो सकता है आपका प्रोफाइल खत्म हो सकता है आपकी फैमिली में कोई हादसा हो सकता है वॉट लाइफ इज थ्रोइंग एट यू इज़ नॉट इन योर कंट्रोल सो देन यू आस्क मी देन वॉट इज इन योर कंट्रोल राइट इट्स ऑल डेस्टनी इज ऑनली वन थिंग इन इज योर कंट्रोल

तो आपकी जैसे माइंड में चीजें आती हैं और एक्सक्यूज देने लगते हो आपकी बॉडी वैसे बिहेव करने लगती है आप चीजों को एक्सक्यूज देने लगते हो और आप उस चीज से लड़ते नहीं हो एंड यू फाइनली फेल द सेकेंड वे टू डील विद इट विनर्स माइंड सेट वेर यू टेक ए स्टेप बैक एंड से आई विल डील विद इट लाइक अ विनर आई विल नॉट गिव अप देर इज अ प्रॉब्लम बट आई विल फाइंड अ अपॉर्चुनिटी इन द डार्कनेस आई विल फाइंड अपॉर्चुनिटी इन डिफिकल्ट टाइम एवरी डिफिकल्ट थिंग will give you a learning, a lesson or some other opportunity. It is your resilience that I will not give up and fight it like a winner. Just then Apne Sochaki that situation will face Karunga, and I will be the winner. your mind be winning story, create And your action in the ground will reflect the same thing, and you will win. So that will make a difference between you being a unsuccessful and a successful. And every time... लास्ट मैसेज इज कीप at एट द फ्रंट नेशन फर्स्ट जय हिंद सर मेरे बहुत सारे सवाल हैं लेकिन बहुत आ, मैं बहुत कम आपसे पूछूंगा जिसमें से हर इवन सवाल ऑट से कम टफ होगा तो पहला सवाल है सर मेरा कि आपकी फेवरेट गन कौन सी है तो मेरी फेवरेट गन जो मैंने जब मैं कमीशन हुआ था तो 130 थर्टी एम गन है रशियन गन है और ये जिसका वेट 7600 किलो है और इसका एक गोला इतना बड़ा होता है इट्स कॉल्ड अ मीडियम गन 130 थर्टी एम एम तो उस पर मेरी पूरी ट्रेनिंग हुई थी सो फॉर मी दिस इज़ माई फेवरेट गन बट इट में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ओके और फेवरेट राइफल इंसाज बिकॉज इंसाज ए के फोर्टी सेवन एंड कारवाइन बट इंसाज इज़ अ गुड राइफल बिकॉज इट गॉट ए वेरी गुड एक्यूरेसी सर बहुत सारे फौजियों से जब मैंने बात की uh, किसी भी रैंक के हों वो चाहे ओ आरस हों या फिर ब्रिगेडियर रैंक तक के हों uh, सबको उनमें ज़्यादातर को मैं देखता हूँ कि वो ए के फोर्टी सेवन को ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसा क्यों है नो ए के फोर्टी सेवन इज ए गुड वेपन बिकॉज इट इज़ लाइट इट कैन फायर वेरी फास्ट एंड इन ए क्लोज क्वार्टर राइट सो इंसाज इज वेरी गुड जब आपका एनिमी दूर है बिकॉज उसकी लॉन्ग रेंज अच्छी है बट ए के फोर्टी सेवन गिव्यू द फ्लेक्सीबिलिटी इसीलिए आप अधिकतर देखो जब टेरिस्ट को आप पकड़ेंगे उनके पास अधिकतर ए के फोर्टी सेवन निकलेगी क्यों इट कैन फायर वेरी फास्ट इट इजियर टू एम सो जो क्लोज लड़ाई होती है जैसे मान लो एक टेरिस्ट है जैसे ताजमे घुस गए थे तो उन सब

फायर करना पड़े तो वो कौन सी होगी और क्यों सो इंडियन मेड में जो इंसाज है वो इंडियन डी में ही डेवलप हुई थी इट इज़ फाइव पॉइंट फाइव सिक्स एंड आई से आई विल अगेन चूज दिस बिकॉज जब आप बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे होते हैं तब आपको एनिमी बिल्कुल सामने नहीं होता वो थोड़ी दूर होता है एंड देन यू प्लान ए अटैक सो इंसाज इज़ ए गुड राइफल इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी सर सर एक सवाल है मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था जब मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं तो मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ में आप उनके लेफ्ट साइड में थे और उनके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं बहुत सारे किस्से हमने सुन रखे हैं बहुत सारा कुछ मीडिया सोशल मीडिया और अलग अलग चैनल्स पर पड़ा हुआ है कुछ ऐसा अपनी दोस्ती के बारे में बताइए सर कितना टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया कैसे आप उनसे मिले और कैसे शख्सियत थे वो सो आई थिंक इफ आई डिस्क्राइब इन वन वर्ड ही वॉज फियरलेस आई हैीन मैनी ऑफिसर हुर फीयर लेस राइट बिकॉज सो मैं बताता हूँ मैं विक्रम से पहली बार कब मिला विक्रम उससे एक कोर्स जूनियर था एक साल जूनियर था जब हमने काफ़ी रिपीटेड अटैक के बाद टोलो लिंग पर कब्जा किया तो टोलो लिंग इंडिया की एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी विच एज वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर द एंटायर कारगिल वॉर सो जब हमने टोलोलिंग पर कब्जा किया तो दुश्मन का मनोबल काफ़ी टूट गया था उसके पीछे वाली जो पीक थी उसका नाम था पॉइंट फाइव वन फोर जीरो इट वॉज़ पार्ट ऑफ द टोलोलिंग कॉम्प्लेक्स बट जो मेन टोलोलिंग पीक थी वो हमने तेरह जून नाइनटीन नाइन्टी नाइन को जीत ली और जैसे मैंने आपको बताया जो फूट की वो हुई उसके बाद हमारा रिप्लेनिशमेंट पहुँच गया था और हमने वहाँ पर कैप्चर करके उसको अपना फर्म बेस बनाया नेक्स्ट अटैक के लिए नेक्स्ट अटैक की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट थर्टीन जैक को मिली और वहाँ पहुँच गए थे जो तीन चार दिन थे उस अटैक से पहले हम लोग साथ, साथ रुके थे और बोथ young यंग ऑफिसर सो वी together all ऑल द टाइम एंड वी also planning प्लानिंग फॉर अटैक सो बिकॉज वी हैव जस्ट a अ वन बैटल सो वी helping हेल्पिंग in इन टर्म्स ऑफ हाउ टू प्लान फॉर द अटैक एंड विक्रम one वन पर्सन was फियरलेस एंड मैं उसको एक इंसिडेंट है मैं उसको बता रहा था कि एनिमी स्नाइपर को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करता है तो पाकिस्तान की टैक्टिक्स क्या होती है कि एक मेन पीक है तो आप जब उस पीक के लिए जाएंगे आप डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन से जाएंगे राइट व्हाट दे यूज टू डू वो थोड़े अपने स्नाइपर्स को नीचे बेच के साइड में किसी चट्टानों के पीछे रखते थे जैसे ही आप साइड से अटैक करेंगे आपका ध्यान है कि एनिमी की बुलेट वहाँ से आएगी बट डेट स्नाइपर जो होगा दूर बट आपके अलग एंगल पे होगा राइट right? तो आप उस जगह से एक्सपोज हो सकते हो वो वहाँ से अटैक करते थे और ये टोलिंग में भी हुआ था सो आई वॉज टेलिंग इम दैट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है राइट सो मेड मेरा कमेंट कि सर पाकिस्तान के अमनीशन डिपो में अभी वो बुलेट बनी नहीं है जिस पर कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लिखा हो तो आप चिंता नहीं करो हम जीत के आएंगे और जैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया था हम फिर से फिर सेलिब्रेट करेंगे और उसके अलावा मैं जस्ट वन मंथ बिफोर आई गॉट मैरिड और हम लोग अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे थे बिकॉज एज ए यंग ऑफिसर्स

But I think you know what he did. He was a fearless leader, excellent person, very close to his troops, and his personal bravery motivated entire troop to ensure that we get the victory. And he was always full of joy, right? So, when we jabam down, when we victory the commanding officer said that when the media people came, they said they wanted to talk to the CO. But the leadership of the CO. सीओ ने बोला नहीं वी विल सेंड अवर यंगेस्ट ऑफिसर राइट बिकॉज एज ए लीडर यू हैव टू कम अप अपन योर टीम फेल टू टेक द ब्लेम फॉर फेलियर बट द क्रेडिट ऑफ द विक्ट्री शुड बी गिवन टू योर टीम सो ही टोल्ड इज यंगेस्ट ऑफिसर टू गो एंड फेस द मीडिया सो यी टोल्ड वर्खा दट एंड अदर मीडिया पर्सन दैट टाइम जब उससे पूछा कि आपने टोलोलिंग आप लोगों ने जीत लिया है क्या प्लान है देन ही मेड दैट स्लोगन आई थिंक ऑल ऑफ यू विल रिमेंबर ये दिल मांगे मोर एंड यू नो दैट्स वॉट द काइंड ऑफ जोश वी ऑल हैड एंड टू टेल यू दिस थिंग आफ्टर टोलोलिंग वी आर अ ग्रेट पार्टी एज आई टोल्ड यू एंड वी वर हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट दैट वी विल विन एवरी टाइम वी नेवर लेट दिस विक्टिम माइंड सेट कम टू अवर माइंड थैंक्स कैंसिल